आज हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवीज के बारे में। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली मूवी का नाम है स्पॉटलाइट। यह मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। स्पॉटलाइट को डायरेक्ट किया था टॉम मैकार्थी ने। स्पॉटलाइट को 6 नॉमिनेशंस मिले थे। 6 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है मैडमैक्स फरी रोड। मैडमैक्स फरी रोड रिलीज हुई थी 2015 में। मैडमैक्स फरी रोड को डायरेक्ट किया था जॉर्ज मिलर ने। मैडमैक्स फरी रोड को 10 नॉमिनेशंस मिले थे। 10 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 6 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है द रेवेनेंट। द रेवेनेंट रिलीज हुई थी 2015 में। द रेवेनेंट को डायरेक्ट किया था एलेजांड्रो जी आई नाटेटू ने। द रेवेनेंट को 12 नॉमिनेशंस मिले थे। 12 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 3 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है ब्रीड्स ऑफ स्पाइस। ब्रीड्स ऑफ स्पाइस रिलीज हुई थी 2015 में। ब्रीड्स ऑफ स्पाइस को डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। ब्रीड्स ऑफ स्पाइस को 6 नॉमिनेशंस मिले थे। 6 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 1 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है द बिग शॉट। द बिग शॉट रिलीज हुई थी 2015 में। द बिग शॉट को डायरेक्ट किया था एडम मैके ने। द बिग शॉट को 5 नॉमिनेशंस मिले थे। 5 नॉमिनेशन मिलने के बाद यह मूवी 1 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है द डेनिश गर्ल। द डेनिश गर्ल रिलीज हुई थी 2015 में। द डेनिश गर्ल को डायरेक्ट किया था टॉम हूपर ने। द डेनिश गर्ल को 4 नॉमिनेशंस मिले थे। 4 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 1 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है रूम। रूम रिलीज हुई थी 2015 में। रूम को डायरेक्ट किया था लेनी अब्राहमसन ने। रूम को 4 नॉमिनेशंस मिले थे। 4 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 1 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अगली मूवी का नाम है द हेटफुल एट। द हेटफुल एट रिलीज हुई थी 2015 में। द हेटफुल एट को डायरेक्ट किया था क्विंटिन टेरेंटिनो ने। द हेटफुल एट को 3 नॉमिनेशंस मिले थे। 3 नॉमिनेशंस मिलने के बाद यह मूवी 1 ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। तो दोस्तों, ऐसी ही न्यूज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।